नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कहते हैं जब पति पर मुसीबत आए तो पत्नी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। बिहार के गया से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जो लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। जिले की रहने वाली सीता देवी के पति बीमार हुए तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिना पढ़ी लिखी ही कड़ी मेहनत के बल पर सफल इलेक्ट्रीशियन बन गए। अब वह गया के राय काशीनाथ मोड़ के फुटपाथ पर बैठकर पिछले 15 साल से बिजली का सारा काम कर रही है, साथ ही बीमार पति का इलाज भी करा रही है। सीता देवी ने बताया कि साल 25 सालों से उनके पति फुटपाथ पर बनी दुकान में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। साल 2005 में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से काम प्रभावित होने लगा। कुछ दिन बाद उनकी हालत काम करने लायक नहीं रही, मजदूर पैसे मांगने लगे तो सीता देवी ने खुद दुकान चलाने की ठानी। वह अपने बीमार पति को लेकर दुकान आने लगी और खुद LED बल्ब, पंखा, कूलर, इन्वर्टर आदि का सारा काम सीख गई। धीरे धीरे सीता देवी के पति की आँख की रोशनी भी चली गई और घर पर ही रहने लगे, लेकिन सीता देवी काम सीखकर आगे बढ़ने लगी और काम को पूरी तरह से संभाल लिया। बिना पढ़ी लिखी सीता देवी अब इलेक्ट्रीशियन बनकर एक दिन में 1000 से लेकर 1500 रुपए तक कमा लेती है। इसी पैसे से घर का सारा खर्च और पति का इलाज करा रही है। यहाँ आए हर ग्राहक इसकी मेहनत का सराहना करते हैं। सीता बताती है कि जब अनपढ़ होकर वह आत्मनिर्भर हो सकती है तो शिक्षित महिलाएं भी अपनी मंजिल हासिल कर सकती है। मेरी मजबूरी ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। आज हर बिजली के बिगड़े सामान को तुरंत बना देती हूँ। सीता ने कहा कि 25 सालों से फुटपाथ पर दुकान है, अगर सरकार एक दुकान की मदद कर दे तो राहत मिलेगी। बारिश के दिनों में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 25 साल हो गया मेरा जी। क्या क्या बनाती हैं? पंखा, मोटर, कूलर, वाशर मशीन, इन्वर्टर, चार्जर, स्टेबलाइजर, फ्रिज, ऐसी सब काम करते हैं बिजली का। कहाँ से सीखे? यहीं पर सीखे, मजबूरी सिखा दी हैं। अच्छा। मेरे पति की तबीयत खराब था, लिवर में सूजन था। हाँ। वो चल फिर नहीं सकते थे। हाँ। खाना नहीं पचता था उनको, तो स्टाफ रखे हुए थे बहुत सारे। स्टाफ अपना अपना काम करते थे, पैसा रख लेते थे और महीना में हम लोग से पैसा मांगते थे। तो हम लोग कहते थे कि जब पैसा कमा के देने बाबू तो पैसा हम कहाँ से दें। तो इस तरह से ये बोले कि चलो दुकाने पर, वहीं पर हमको सुधा देना और वहीं पर तू अपना काम हम बताएंगे, उसे तो काम अपना करना, उन लोग भी हो जाएगा, महीना दे देंगे, हम लोग भी हो जाएगा। उसी से हमें बात पर तो काम बताते गए, हम सीखते गए हैं। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं भैया, पढ़े लिखे नहीं है, एको कलम नहीं पढ़े लिखे, सब कुछ बना लेते जी दो मिनट। तबीयत खराब है, आग से लाचार है, चल नहीं फिर सकते हैं। हाँ। लगता नहीं है उनको, घर पर आते हैं, घर पर आते हैं, हम ही घर चलाते हैं जी। दिन भर में कितना कमा लेती हैं? तो काम आने का भैया हो जाता है। हाँ, हो जाता है कभी कभी, कभी ना भी होता है। हाँ। कभी 200-300 रुपया कमाए। हाँ, मन तो लगा ही रहे, नहीं मनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब जो है जो इसी पर ना है, और तो मेरा कोई बिजनेस है नहीं ना। पढ़ के सीख कर सीखते हैं, आप बिना पढ़े लिखे भी जी एक ट्रेंड सफल इलेक्ट्रीशियन बने हुए हैं जी, बिना पढ़े लिखे बने हुए हैं। अच्छा, बल्ब का कितना रुपए लेते हैं, पंखा कितना लेते हैं, कैसे पैसा? तो खराबी को पड़ना है पंखा का, जैसे बल्ब का है 40 रुपए लेते हैं, कोई का 30 रुपए लेते हैं, कोई का 20 रुपया, जैसे खराबी है वैसा लेते हैं। कब से कर रहे हैं? 20-25 साल हो गया मेरा। पहले पति जी करते थे? पहले, हाँ, पहले मालिक करते थे और उनको तबीयत खराब हो गया तो हम सीख। वहीं ग्राहक भी सीता की लगन मेहनत की काफी तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि बिना पढ़ी लिखी सीता 2 मिनट में बिजली मैकेनिक का काम करती है। सच में इनके हाथों में जादू है। मैं खुद कई सालों से बिगड़े पंखा, कूलर, बल्ब इत्यादि बनाता आ रहा हूँ। हम आज से यहाँ कम से कम 2500 साल से इनको मैं जानता, समझे, और ये जो है हमारे भारत सेवा आश्रम संघ से हम जुड़े हुए हैं। वहाँ का जितना काम है सब यही महिला करती है और इनके बाल बच्चे भी वहाँ पढ़े लिखे, बड़ा भी हो गए
और इनके मालिक को भी मैं जानते हैं। 2 मिनट में ही बॉल बनाती है। हाँ, 2 मिनट में ही बॉल बनाती है। हम इनको करीब करीब 25 वर्ष से इनको जानते हैं। नहीं पढ़ी लिखी और हाँ, इलेक्ट्रिशियन बन गई। हाँ, इलेक्ट्रिशियन खूब सुंदर, बिना पढ़े लिखे तुरंत बना लेती है। कूलर वगैरह सब कुछ, पंखा कूलर गीजर सब कुछ बनाती है, हर काम जानती है। अच्छा, प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर के बात करते हैं। हाँ, लोगों को प्रेरित लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए इस महिला। हाँ, इस महिला से प्रेरणा जरूर लेना चाहिए और सीखने के लिए कम से कम समय कुछ दे, मतलब स्कूल चला सकती है ये महिला, स्कूल अच्छा चला सकती है। कला है ना इनके पास, कला कौशल है और इनकी क्षमता भी है। पति कमजोर है इसके बाद। हाँ, बीमार हैं, थोड़ा सा लाचार हैं, पैरालिसिस के पेशेंट है इनके हस्बैंड। आत्मनिर्भर है और इनके सहयोग में बच्चे साथ देते हैं इनको। बस मेरा नाम मनोज कुमार पाठक है। आप क्या क्या बनवाए हैं यहाँ? हम यहाँ टॉर्च बनवाए हैं, CFL बनवाए हैं, बहुत सारे चीज़ बनवाए हैं। तुरंत बना देते? हाँ हाँ, जाके बना देते हैं। गीजर उजर का काम इनके मालिक करते थे। अभी लेके क्या आए थे? अभी हम इनके पास CFL लेके आए, बनवा लिया। कितना दिए? 40 रुपये मात्र दिया। तुरंत बना? हाँ, बना देती है महिला। पहले देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।